प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होम वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वाविंशो अध्यायः। शीर्षक महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धवेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर से दौड़ता है उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए हैं। जब वे मुनिगण अर्ध स्वीकार कर आसन पर विराज गए तब शिष्टाग्रीण पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित होकर विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की, फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचर का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के ही अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु ने कहा कि मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझ में ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ? जिस पर ब्राह्मण तथा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्त्व आदि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष, उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत उक्तो परम पवित्र चरणोदक के छींटे भी नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्र से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूपी संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में भी यह कुशल है और अकुशल भी है। इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी नहीं होती। आप संसारा नल से संतप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसीलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार से सुगमता से कल्याण हो सकता है? यह निश्चय है कि जो आत्मवान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु के युक्तियुक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए यूं कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है कि साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर में सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद अवश्य आपकी अविचल प्रीति है।
हर किसी को इसका फल प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल का सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, योग ज्ञान की निष्ठा से, योगेश्वर श्रीहरि की उपासना से, नित्य पति पूरी कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में रत रहते हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाला पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह करने से, भगवत गुड़ा अमृत का पान करने के सिवाय अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निवृत्त निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्रीहरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, सितोड़ आदि द्वंद्वों का सहन करने से, भक्त जनों के कानों का सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बारंबार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्मा में अनायास ही उनकी प्रीति बढ़ जाती है। परम ब्रह्मा में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु का शरण लेता है, फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना सुनी हुए अपने अविद्या पांच प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्य सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उसकी कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले यह पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियां का विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं होता। बाह्य जगत में देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय में नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कूस आदि अपने जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियां सक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने के कारण जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसीलिए जिसे अज्ञाना अंधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष के विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुणक्षोभ होने के कारण जितने भी उत्तम और अधम भाव प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह इंद्रियां प्राण बुद्धि और अहंकार से
आवृत सभी स्थावर प्राणियों के हृदयों में जीव के अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा ही जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा उस मायामय प्रपंच में जिसके कार्य कारण से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के छिटकती हुई छटका का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्वेश्य करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्व आश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप से मगरों में भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उन्हें करधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा। महाराज पृथु ने कहा कि भगवान दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं, जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर है और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोष यह सब कुछ आप लोगों का ही है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व राज दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्य खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के परगामी हैं। आपने विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने ही इस दिनों द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जिस फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की, वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु अपने आत्मोपदेश पाकर चित्र की एकाग्रता से आत्मा में स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्म अर्पण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्र से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति के अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वस्व प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सौर सौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा से स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व ध्रुमकेश हर्यक्ष द्रविड़ और विक्र थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यकता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों का गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन प्रिय और हितकर वचन मनोहर मूर्ति और सम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ।
सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कला आदि के समय मुक्त हस्त से अपने प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रहते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष्य, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों में खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की अहशायता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों में आधिपत्य और शौर्य समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्मा विचार में बृहस्पति, इंद्रियों जन में साक्षात श्रीहरि, गौ ब्राह्मण और गुरुजन एवं भगवत उक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान थे। वे त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश कर पाए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय समाप्त होता है। सद्गुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 23वां अध्याय। शीर्षक राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्य आदि तथा पुरग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का भी पालन हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलकती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पीकर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्तियों से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचा अग्नियों का सेवन किया, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की बेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसे के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्व सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परम ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई
और फिर उस त्रिव्य ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधि भूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार के सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का भी नाश किया जाता था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो बीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्मा भाव में स्थिर होकर अपने शरीर को त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोक कर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मारंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिरा आदि जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन कर दिया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तंत्र मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रियों, तंत्र मात्राओं को उसी अहंकार को महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंदमूल खाकर ही निर्वाह किया। इससे यद्यपि वह बहुत दुर्लभ हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हुआ। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन में चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर तक विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा तीन बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति बीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवंगनाएं पुष्पों की वर्षा करते हुए आपस में इस प्रकार बात करने लगी। देवियों ने कहा कि अहो, यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजा राजेश्वर पृथु की मनवाड़ी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री हरि लक्ष्मी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती है। अवश्य ही अपने पति अचैतन्य कर्मों के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर देते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक को मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठग सा गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जिस समय देवंगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गयी। परम भागवत पृथु जी भी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार थे।
मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्र से पढ़ता, सुनता और सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मा तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और क्षुद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलियों के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा ही सहायक है। इसीलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे करते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मय को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की ही संगति प्राप्त करता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंध का 23वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 24वां अध्याय। शीर्षक, पृथु की वंश परंपरा और प्रजिताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा ही स्नेह था, इसीलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्ष यक्ष को पूर्व, ध्रुमकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसीलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। चारों चलकर योग मार्ग से फिर यह अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान ने नभवस्ती नाम की पत्नी से एक और पुत्र नंद अरविधान को प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भगवतमय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हरविधान के पत्नी अरविधानी ने बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितवर्त्र नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें से हरविधान के पुत्र महाभाग बहिर्षद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगा अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी सतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी,
तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता सतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं, देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को अपने वश में कर लिया। सतद्रुति के गर्व से प्राचीन बहरी के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्रीहरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण मार्ग में प्रचिताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और वे उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देवधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है और ना पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति के साथ सर्वत्र विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर तपस्या में चित्र लगाकर पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्र के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंद्रिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी, उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें हर्ष हो आया। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। वहां मृदंग, पड़व आदि बाजों के साथ अनेक दिव्य राग रागनिया क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुए सुवर्ण राशि के समान कांतिवान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्धत है। अनेकों गंधर्व उनका सुयस गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचिताओं को बड़ा ही कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले कि तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने इस प्रकार से दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संज्ञ पुरुष है, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता हूँ। वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत उक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगल और कल्याणकारी स्रोत सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणाद्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए राजपुत्रों को यह स्रोत सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे।
भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म हैं और इंद्रियों के नियंता शांत एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं, आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं, पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूपी वीर से युक्त और चतुर होर्त कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक इंद्रियक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु हैं, आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्त कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु है, आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और भगवान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित ना होने वाली है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप है तथा आपसे ही परा पश्यंती मध्यमा और वैरखी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है, आपको नमस्कार है। प्रभो, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारबिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौवें, सुघड़ नासिका, मनमोहनी दंतपंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। कीर्तिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराए अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहरता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंगन, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्य, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केऊर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी के शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्केदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो उसी में फिर से लीन होना चाहता है। श्यामवर्ण कटिभाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली जांघ और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है।
उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान वृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभो, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको पाना चाहते हैं तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देवधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी यह दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जिनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कते हुए भौं के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभो, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हरने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग सदा हमें प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो वह विषयों में भटकता है और ना ही अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्मा तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकती है, इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्ति करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण सकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भलीभांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभो, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इस जरायुज अंडज श्वेतज उद्भिद से चार प्रकार के शरीर में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभो, आपका तत्वज्ञान प्रत्यक्ष से ही नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असहाय वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है, भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय उसी चिंता में लगा रहता है कि अमूक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ जैसे सर्प चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा ही लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसरेगा।
इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मा, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्र लगाकर मेरे कहे हुए श्रोतों का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित सर्वभूतान अंतर्यामी भगवान श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करके पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्रोत सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनिव्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्रोत पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों का प्रजा विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्र से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुष्ट संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्रोत का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे और प्रातप्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्रोत के गाने से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्रोत सुनाया है, इसे एकाग्र चित्र से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 25वां अध्याय। शीर्षक पूर्जनोपाख्यान का प्रारंभ। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रजिताओं को उपदेश दिया। फिर प्रजिताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्रोत का जाप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के अंत्यातिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा कि देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भर कर तुम्हें अपने लोहे के से सिंहों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरज्जन का चरित्र है, उसे तो मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरजन नामक का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था।
राजा पुरजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी उसे कोई अनुरूप स्थान ना मिला। तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक से ना जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक नौ द्वारा नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों और अटारियां, खाइयां, छकोरों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पातकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकड़ों से मिली हुई बासंती वायु के झकोरों से हिल रही थी और इस प्रकार तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसीलिए उनसे किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था कि मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आ रही थी। उसके 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100-100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंतपंती, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की गर्दनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों की नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामनी बाला किशोरवस्था की सूचना देने वाले उसकी प्रेम से मटकती भौवें और प्रेम पूर्व तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा कि कमल दल लोचने, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो। साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो। भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हारे साथ इस 11 महान सूरवीर संचालित यह 10 सेवक कौन है और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माड़ी में से ही कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पुरकाम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है। सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और अति भाव से भरी मुस्कान के साथ भावों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है, इसीलिए सुंदरी अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुंदर भावे और सुगर नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारबिंद इन लंबी लंबी काली अलकावली से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन को हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन कराओ। श्री नारद जी ने कहा कि वीरवर, जब राजा पुरजन ने अधीर होकर इस प्रकार याचना की तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह अभी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी,
कि नरश्रेष्ठ हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और ना हम अपने या किसी दूसरे के नाम के गोत्र भी जानते हैं। बीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यहाँ पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियाँ मेरी सहेली हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रु दमन, आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार से भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभो, इस नव द्वारपालोपुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो ना मेरे रति सुख को जानते हैं और ना विहित भोगों को भोगते हैं, ना परलोक का विचार करते हैं और ना कल क्या होगा इसका ध्यान रखते हैं, अतएव सब पशुतुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ और काम, संतान, सुख, मोक्ष और सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है, इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और उसके कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्था आश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्र और सुंदर पति का वरण ना करेगी? महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त ना ललचावेगा? आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरज्जन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खगोता और अविरमूर्खी नामक 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरज्जन अपने मित्र द्युमान के साथ विभाजित नामक देश को जाया करते थे। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरम नाम के देश जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उसमें से होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपर नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो प्रत्युह नाम का द्वार था उसमें से होकर राजा पुरज्जन श्रुतधर के साथ दक्षिणा पांचाल देशों को जाता था। उत्तर की ओर जो देहुई नाम का द्वार था उससे वह ध्रुतसर के साथ उत्तर पांचाल देश को जाता था तथा निष्कृति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे वह लुभत के साथ वैशस्व नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और प्रेसरिक्त 2 नाम के नागरिक अंधे थे। राजा पुरज्जन आँख वाले नागरिक को अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य को करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचिनी के साथ वह अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के साथ ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती वही वह भी करने लगता था। जब वह मदपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब वह भी भोजन करने लगता था। जब वह कुछ चबाती तब वह भी वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता था, रोने पर रोने लगता था, हंसने पर और हंसने लगता था, बोलने पर बोलने लगता था। वह दौड़ती तो वो भी दौड़ने लगता था, वो खड़ी होती तो वो भी खड़ा हो जाता था, वो सोती तो उसके साथ वो भी सो जाता था, वो बैठती तो वो भी बैठ जाता था।
कभी वो सुनने लगती तो वह भी सुनने लगता था, देखती तो वो भी देखने लगता था, सूंघती तो वो भी सूंघने लगता था, किसी चीज को छूती तो वो भी छूने लगता था। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो अपने आप में ही अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता था। जब वह प्रसन्न होती तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाता था और उसके आनंदित होने पर अपने आप ही आनंदित हो जाता था। राजा पुरज्जन अपनी सुंदर रानी के द्वारा ठगा सा गया था। सारा प्रकृतिवर परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होम वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ खड़विंशो अध्याय। शीर्षक: राजा पुरजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कूपित होना। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, एक दिन राजा पुरजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गए। उस रथ में 2 इंस्यादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज बाज सब प्रकार से सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह ना करके वह बड़े गर्व से धनुष बाढ़ चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्र बड़ा ही कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाड़ों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसके मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए ही वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। शास्त्र इस प्रकार प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियमों कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरजन के तरह तरह के पंखों वाले बाड़ों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह ना सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नील गाय, कृष्ण मृग, शाही और भी बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद में उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु वह उसे कहीं भी दिखाई ना दी। प्राचीन बरही तब उसने अपने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा कि सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से तो हो ना, क्या कारण है कि आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती। घर में माता अथवा पति पराया भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा। अतः बताओ कि वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पथ पथ पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है। स्त्रियों ने कहा कि नरनाथ, मालूम नहीं कि आज आपने प्रिया से क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसीलिए अपने रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देख वह अत्यंत व्याकुल हो गया।
उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी कुशल था, इसीलिए अब पुरजन ने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बैठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरजन बोला कि सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड देते हैं। सेवकों को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली, मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मनस्वनी, अब यह क्रोध दूर करो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार और लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंती के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो भी मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और कभी न तुम्हारे सुंदर मैं व्यसन बस तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसीलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझ कर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव की विषम वाणों से अवीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 26वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तविंशो अध्यायः। शीर्षक, पुरजन पुरी पर चंड वेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह से स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसे मोहित हो गया कि उस कामनी में चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात में भेद निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता ना चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहा। उसे तो वह रमणी भी जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा तथा परमात्मा का कोई ज्ञान ना रहा। राजन इस प्रकार चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापते, उस पुरजनी ने राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य के वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100-100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह को सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा लेकर तरह तरह पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों के ओर से असावधान और कुटुम्ब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा
जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज्य है, उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों को जब राजा पुरज्जन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजानगर ने रोका। यह पुरज्जनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेली ही वह युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरज्जन अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य संभावी भय का उसे पता भी ना चला। बहिष्मन, इन दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी ही भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भाग्य कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने एक राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मालोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती फिरती मुझे मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्माचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर अत्यंत कुपित होकर मुझे वह दूसरा श्राप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ना ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संपत्ति से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया और कहा कि वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके किया हुआ वह जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि देने योग्य वस्तु का दान नहीं करते, वो तो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता। वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतएव शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार कर अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म है दीनों पर दया करना। काल कन्या की यह बात सुनकर यमनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति का निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसी से तुझे लोग स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अभिलिच्छित होकर भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना ना कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। इन दोनों के साथ मैं अपव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 27वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।